एक बार सत्य बोला, शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, है विष्णु, है नारायण, तुमने सत्य बोला, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे, तुम्हारी पूजन होगी सत्य नारायण के रूप। सारी दुनिया में आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, 5 अध्याय होते हैं, पंडित जी बाजते हैं। पंडित जी आपसे हमेशा कहते हैं, ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा कराई, बनिए ने कथा सुनी, कथा कराई, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कथा कौन सी थी जो कराई थी, बाची थी और सुनी थी, वो कथा कौन सी थी? सत्यनारायण भगवान की कथा, असली कथा कौन सी है? ये तो 5 अध्याय में ये कहा गया कि उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी और उन्होंने सुनी, सुनी तो कौन सी सुनी? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? बनिया ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? 5 अध्याय में केवल कथा सुनी ये बताया गया, पूजन करी ये बताया गया, पर कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि सत्यनारायण की कथा ये है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के चरण भगवान विष्णु को नहीं मिले थे और उन्होंने सत्य कह दिया था, तब भगवान शंकर प्रकट होकर उनको कह दिए थे, आज से तुम सत्यनारायण के रूप में पूजाओगे और तुम्हारी पूजन होगी, तुम सत्यनारायण बन जाओगे, ये सत्य है। दुनिया में केवल एक जगह ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है, कहां? बोलो बोलो, जम के बोलो, शमशान। केवल एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है, क्योंकि ले जाने वालों को भी यह समझ में नहीं आता, भग गया तो दूसरा कहां से, ठिकाना क्या? चिंता है, होता है कभी कभी, नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले एक गांव में सर्वे करने के लिए आए, वहां पर एक सुहागवती बिचारी एक महिला रहती थी, वो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, आज पति नहीं था घर में और वो सर्वे वाले आ गए, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैं बिमला। अच्छा, बेटे का नाम? कमल। अच्छा, बेटी का नाम? रानू। ठीक है, पति का नाम? पति का नाम बोलो। इतने में वो बोली कि मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छा, तो हम दूसरी बार सर्वे करने नहीं आएंगे, तुम्हें पति का नाम जल्दी बोल दो तो हम लिख लें। मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे। फिर नाम छूट गया, बाद में मत कहना कि हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, तो फिर पति का नाम बताओ, मैं तुमको 2-3 तरह से समझाऊंगी, तुम समझ जाओगे। सिर पे पल्लू लेके बोली, मेरे पति का नाम, तुम 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई। अरे बोलो तो, 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही है। सर्वे वाले, 6 गंजी। हाँ, 6 गंजी, 3 गंजी और 3 गंजी। सर्वे वालों ने कहा, धन्यवाद देवी, चरण का है तुम्हारे, धन्यवाद। समझ में, जो पहचान गया शिव को वो फिर भटका नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है, आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी का फूल ने झूठ कह दिया, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर ने कह दिया केतकी के फूल, केतकी के पुष्प, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है,
मैं तुझे श्राप देता हूं, एक केतकी सारे देवताओं पर तू चढ़ेगी। केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। एक केतकी का फूल भी अगर शिव पर चढ़ गया तो हजार गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी ने कहा मेरी मत मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से ब्रह्मा जी ने पूछवाया क्या बताओ, ब्रह्मा जी को क्या शंकर जी का शीश नहीं मिला? गौ माता ने कहा ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। आकाशवाणी फिर हुई और कहा गौ माता तू झूठ बोल रही है, तू जगत की मां है। गौ माता जगत की मां होकर गौ माता तू झूठ बोल रही है। हे गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म के अंदर मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, वृक्ष की परिक्रमा आगे से होती है, कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, सारे दान आगे से होते हैं। केवल सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ दान ऐसा है जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, पीछे से होता है, आगे से नहीं करा जाता। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। क्यों? क्योंकि एक बार गौ माता ने झूठ बोल दिया था इसलिए गौ माता की परिक्रमा आज तक पीछे से होती है। अब जरा विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो आज तक उनकी परिक्रमा पीछे से होती है और तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार करिए कितना झूठ। दुकान पे बैठे हो, कहते हो घर पे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, क्या कि मैं अभी आई रिया हूं, रस्ते में ही हूं, बिल्कुल रस्ते में, कितना झूठ। भगवान के पास में भी सूचना पहुंची थी और भगवान के पास में जाकर देवताओं ने कहा इतनी शिव पुराण की कथा हो रही है, लाखों लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, सब मरने के बाद बेकुंठ जाएंगे, बेकुंठ भरा जाएगा, नरक कौन जाएगा? यमराज ने कहा चिंता मत करो, पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि फेर दी है, उसने एक यंत्र का निर्माण कर दिया है जिसका नाम मोबाइल है। व्यक्ति कितनी भी कथा सुन लेगा, दिन भर में 4-6 बार झूठ बोलेगा, नरक चले जाएगा, डायरेक्ट डिपार्टमेंट चेंज, डायरेक्ट। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को नरक में पहुंचा देता है, एक झूठ। इसीलिए मरने वाले के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। कुछ लोग चिल्लाते हैं जो 4-6 अर्थी के पास चल रहे होते हैं, बाकी के तो बात करते हुए जाते हैं। फसल बिगड़ गई, अब की बार गेहूं अच्छा नहीं आया, मरने वाला मर गया, चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, ये बात करते हुए जा रहा है, उसमें भी 2-4 तो मलते ही मलते जा रहे हैं। शमशान में मुर्दा जल रहा है, पहले थूक के आया फिर बैठा, राम नाम अरे भाई शिव महापुराण की कथा कह रही है, सत्य बोलने से पीछे मत हटो। संत साधु गुरुजन सन्यासी तपस्वी साधक एक सत्य की जिंदगी जिए, एक सत्यता की जिए। आज हम सब सत्य से दूर हो गए, सत्य से। कहा गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे थे तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने पांव के अंगूठे का नखून तोड़कर फेंका। काल
भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव से कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने चीटी उंगली के नक को तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटा हुआ सिर लुढ़कता गया और ब्रह्मा जी झूठ बोलते गए बोलते गए बोलते गए। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, वो रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर केवल एक नदी आज भी ऐसी बहती है जिस नदी का पानी कुत्ता भी नहीं पीता, जिसको कर्मनाशा नदी कहा। केवल भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है जिसका पानी पक्षी भी नहीं पीता, कुत्ता भी नहीं पीता। उस कर्मनाशा नदी का जल जिसके शरीर पर छींटा भी पड़ जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने दान करा होता है, पुण्य करा होता है, कथा सुनी होती है, भजन करा होता है, व्रत करा होता है, उद्यापन करा होता है, कन्यादान करा होता है, गौदान करा होता है, वो 71 पीढ़ी का पुण्य समाप्त हो जाता है। वो कर्मनाशा आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है, आज भी कर्मनाशा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है इसमें हाथ न धोइए, ये कर्मनाशा नदी है इसका पानी का छींटा न लीजिए, ये कर्मनाशा नदी है जिसका एक जल का छींटा भी मनुष्य के कर्म को नाश कर देता है, ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। आज भी लिखा है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कर्मनाशा नदी पर। कई किलोमीटर दूर तक वो नदी बहती है, दोनों पाटों पर कोई नहीं रहता, आज भी कर्मनाशा। झूठ बोला है भगवान विष्णु ने, देखा कि ब्रह्मा जी का सिर कट गया, झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी अभी भी कटे हुए सिर से भी। भगवान विष्णु ने शंकर जी से क्षमा मांगी, इनको माफ कर दीजिए, कहाँ जाएंगे ये, इनका कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा, आप कृपा करिए, आप भोले हैं, आप शिव हैं, आप त्रिकालदर्शी, आप कैलाशी, आप शंकर हैं, करुणा करिए, दया करिए। भगवान शिव ने कहा, सुनो नारायण, आपके कहने पर मैं ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को वर देता हूं, यह बड़ का वृक्ष बन जाएगा, वट वृक्ष बन जाएगा, इस वट वृक्ष के नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा और मेरा नाम बटकेश्वर महादेव कहलाएगा, मैं स्वयं बैठूंगा बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित होऊंगा।